अगली खबर आ रही है छतरपुर से, जहां कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देशन में महाराजपुर तहसील सुनील वर्मा द्वारा देर शाम रेत माफियों पर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। मीडिया के द्वारा भी लगातार खबरों के माध्यम से पुलिस एवं प्रशासन की मिलीभगत से अवैध रेत खनन के आरोप लगाए जा रहे थे, जिस पर मामले को जिला कलेक्टर ने संज्ञान में लेकर तहसीलदार महाराजपुर को कार्यवाही करने एवं अवैध रेत खनन परिवहन रोकने के लिए निर्देशित किया था। उसके बाद से ही तहसीलदार सुनील वर्मा ने एक टीम निरंतर निगरानी के लिए लगा रखी थी। जैसे ही मुखबिर से सूचना मिली, तत्काल तहसीलदार ने राजस्व अमले को मौके पर भेजा और सुनियोजित ढंग से दल बल के साथ स्वयं मौके पर पहुंचकर रेत माफियों के अरमानों पर पानी फेरते हुए 3 ट्रैक्टर ट्राली अवैध रेत खनन और परिवहन करते हुए जब्त किए एवं पंचनामा तैयार कर कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया। तहसीलदार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मध्य प्रदेश गौड खनिज नियम, मध्य प्रदेश नवीन रेत नीति 2020, मध्य प्रदेश उत्खनन परिवहन भंडारण नियम 2006 के संशोधित प्रावधान के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही मौके पर रेत एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। तीनों ट्रैक्टर बगैर नंबर के मिले हैं। तीनों ट्रैक्टर ट्राली को रेत सहित थाना महाराजपुर को सुपुर्द कर दिया गया है। तहसीलदार सुनील वर्मा की इस कार्यवाही से रेत माफियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ रेत माफिया हर समय तहसीलदार पर निगरानी रखकर चकमा देते हुए अवैध रेत कारोबार करने में लगे रहते थे, तो वही तहसीलदार सुनील वर्मा के आगे आज रेत माफियों की होशियारी धरी की धरी रह गई। माफिया तहसीलदार को ही देखते रह गए और वहां कार्यवाही भी हो गई, किसी को सोचने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि मौके से ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर भागने में सफल हो गए, मगर नगर पालिका अमले के सहयोग से ट्रैक्टरों को थाने तक पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक एक निजी जमीन से अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा था। इस पूरी कार्यवाही में तहसीलदार महाराजपुर सुनील वर्मा एवं हल्का पटवारी अभिषेक गोस्वामी, पटवारी महेंद्र रिछारिया, पटवारी शंकर उचाडिया सहित राजस्व टीम की विशेष भूमिका रही है। आज शाम को मुखबिर की सूचना के आधार पर बहु रोड पर एक मनबहार के निकट सूचना मिली थी कि कुछ ट्रैक्टरों द्वारा रेत का उत्खनन करके परिवहन किया जा रहा है। उसके संबंध में हम दल बल के साथ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर 3 ट्रैक्टर जो बिना रजिस्ट्रेशन क्रमांक के थे उनको जब्त किया गया और मौके पर जो ट्रैक्टर ड्राइवर थे वो भाग गए और हमने जब्त करके थाना महाराजपुर में सुपुर्दगी दी है। उस संबंध में हमने विधिवत प्रकरण तैयार किया है और तैयार करके वैधानिक कार्रवाई हेतु संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो ये बालू निकाली जा रही थी, क्या ये मतलब शासकीय ज़मीन से बालू निकाली जा रही थी या किसी खदान से निकाल रहे थे? ये जो ट्रैक्टर ड्राइवर हैं और जो अवैध रूप से उत्खनन कर रहे थे, वो उत्खनन चूँकि अवैध रूप से कर रहे थे, इसलिए हमने उन ट्रैक्टरों को जब्त करके कार्रवाई की।